हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसी बातें शेयर करने वाला हूं जो कि आपके लिए बहुत ही जरूरी हो सकते हैं। अगर आप ऑयल कलर शुरू करने वाले हैं या फिर आप एक ऑयल पेंटर हैं, तो फिर ये सारी बातें आपके लिए बहुत ही जरूरी है। आपको पहले ये जानना होता है कि कौन सा कलर आपके लिए बेस्ट होगा, इसके लिए क्या क्या मटेरियल चाहिए, ये सारी बातें इस वीडियो में मैं आज बताने वाला हूँ। आपको मैं दिखाऊंगा कि क्या क्या मटेरियल्स आपके लिए जरूरी होता है ऑयल पेंटिंग करने के लिए। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। मैं हूं विक्रम और मेरे साथ आप लोग देखें आपका अपना यूट्यूब चैनल चित्रकार योगी। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं। अभी जो आप लोग देख रहे हैं, ये दोनों ही पेंटिंग मैंने पिछले साल ही बनाया था। ये दोनों ही ऑयल कलर से बनाए हुए। इन दोनों पेंटिंग में मैंने क्या क्या मटेरियल्स यूज किया था, ये सारी बातें मैं इस वीडियो में बताने और दिखाने वाला हूँ। इसमें से जो बच्ची की पेंटिंग है, ये तो मेरे पिछले साल ही सेल हो चुकी है। और जो मोदी जी की पेंटिंग है, ये बहुत ही प्यार से मैं अपने पास अभी तक रख लिया हूँ। तो मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ कि क्या क्या मटेरियल मैंने यूज किया था और क्या क्या मटेरियल आप यूज कर सकते हैं, आपके लिए बेस्ट होगा। तो चलिए अभी हम देखते हैं। तो दोस्तों, अभी आप लोग जो देख रहे हैं, ये है कैमल का ऑयल कलर। ये जो देख सकते हैं, कैमल का आर्टिस्ट ऑयल कलर है और यहाँ पर कैमल की ब्रांडिंग भी है। ये मैंने मार्केट से बाय किया था। ये देख, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, इसका जो प्राइस है वो 775 रुपये, ये आप देख सकते हैं। और अभी जो हम करेंगे, इसे खोल के देखेंगे इसके भी अंदर क्या है। अभी आप देख सकते हैं, इसमें से मुझे जो अच्छा लगता है वो है ब्राउन कलर। ये कलर बहुत ही प्यारा है। ये 20 ml का है और ये काफ़ी दिन चल जाता है। मुझे तो ये, मैंने जब इसे बाय किया था उसके बाद से मैंने 3-4 बना ही लिया पेंटिंग। अभी भी ये काफ़ी सारे है, ये आप सब देख सकते हैं। क्योंकि ये मार्केट में हमारे यहाँ अवेलेबल मिलते हैं, इसलिए मैंने मार्केट से ही इसे बाय कर लिया था। अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं है मार्केट में, तो आप इसे ऑनलाइन से भी मंगा सकते हैं, जैसे कि फ्लिपकार्ट या फिर अमेजोन में ये अवेलेबल मिल जाते हैं और बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट भी वो लोग देते हैं। और आप अगर इससे छोटा वाला लेना चाहते हैं, वो कुछ 350 में मिल जाता है। और ये क्योंकि 20 ml का मिलता है, तो मैंने ये ही मंगा लिया क्योंकि काफ़ी दिन ये चल जाता है। अब इसके बाद जो चीज़ हमको बहुत ही ज़रूरी है ऑयल कलर करने के लिए, वो है कैनवास। तो अब इसे रखते साइड में, और ये आप लोग देख सकते हैं कैनवास, ये है कैनवास बोर्ड। इसका साइज है ये 30x40 cm। और ये क्योंकि ये कैनवास बोर्ड है, तो ये आप फ्रेम भी बना सकते हैं बहुत ही बढ़िया पेंटिंग करने के बाद। और मैंने इसे मार्केट से बाय किया है, ये कुछ मुझे मिल गया सरप्राइज है, 130 rupees। और अगर इससे ज़्यादा बड़ा आप चाहते हैं, तो यहाँ पर साइज है, ये साइज देखकर कुछ भी मंगा सकते हैं, ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। ये एक तरह का हुआ कैनवास, काफ़ी तरह के मिलते हैं। जैसे कि आपको जो मैंने पहले मोदी जी का पेंटिंग दिखा था, वो था कैनवास के जो फ्रेम में आते हैं वो, क्योंकि वो भी बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि उसमें जो पेंटिंग बनाने के बाद बहुत ही जल्दी सूख जाता है। मगर ये कैनवास बोर्ड में क्या होता है, इसमें सूखने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, मगर फिर भी ये बहुत ही बढ़िया है अगर इसको आप फ्रेम बनाना चाहते हैं। और मैं और भी कुछ दिखाने वाला हूँ, क्योंकि पैलेट नाइफ, जब मैं दिखाऊंगा पैलेट नाइफ यूज करने के लिए, ये बोर्ड बहुत ही बढ़िया है। तो अभी इसे हम साइड में रखते हैं। ये होते हैं कैनवास की जो रोल में आते हैं, ये 5 m का होता है। इससे क्या होता है, आप इसको काट के जितना साइज चाहिए आपको, उतना ही आप ले सकते हैं, फिर उसमें पेंटिंग बना सकते हैं। ऑयल कलर करने के लिए आपको जो दो ऑयल की जरूरत पड़ती है, वो तो एक तो है टारपिन डाइड ऑयल और दूसरा है लिंसिड ऑयल। ये दोनों ही ऑयल काफ़ी ज़रूरत पड़ते हैं ऑयल कलर करने के लिए। ये आप देख सकते हैं लिंसिड ऑयल, ये 100 ml का है और इसका जो प्राइस है वो 100 rupees पे आपको मिल जाता है मार्केट में। दोनों ही मार्केट में अवेलेबल मिलते हैं। और लिंसिड ऑयल की काम क्या होती है, इससे आप कलर को मिक्सिंग कर सकते हैं। और टारपिन डाइड ऑयल का काम होता है, इससे आप ब्रश को साफ करते हैं। इनको आप रखते हैं साइड में। तो अभी हम बात करेंगे पैलेट की। ये आप देख सकते हैं पैलेट, यहाँ पे लिखा भी है डिजिटेक, ये बहुत ही बढ़िया पैलेट है। ये आप लोग देख सकते हैं, इसे हमने यूज़ किया है पहले, बहुत ही अच्छा लगा इसको यूज़ करके मुझे, क्योंकि इससे पे आप ब्रश भी यूज़ कर सकते हैं, उसके साथ पैलेट नाइफ भी यूज़ कर सकते हैं।
बहुत ही बढ़िया पैलेट है। इससे पहले मैं एक फाइबर का पैलेट यूज किया था, उससे ज्यादा बेटर मुझे ये वाला पैलेट लगता है। ये मुझे कुछ 300 में मिल गया था, तो इसे आप रखते हैं साइड में। इसके बाद हम लोग देखेंगे ब्रश। ऑयल कलर करने के लिए ब्रश अच्छा लेना बहुत ही जरूरी होता है। ये अभी आप लोग देख सकते हैं, ये सारे के सारे ब्रशेस मैंने खरीदे थे, ये भी मैंने मार्केट से ही बाय किया था। ये आप लोग देख सकते हैं, ये जो सबसे बड़ा वाला है नंबर 12 है, इसका ब्रश बहुत ही अच्छा है। ये अगर कुछ बड़ा काम करने के लिए जरूरत पड़ते है ब्रशेस। और सबसे छोटा वाला जो है मेरे पास वो ये वाला है नंबर 1 की। ये जो छोटे काम करने पड़ते हैं, छोटे छोटे चीज को आपको करना पड़ता है तब ये आप यूज कर सकते हैं। ऐसे ही काफी सारे हैं मेरे पास। ये सभी क्या होते हैं, ये सभी फ्लैट ब्रशेस है, ये एक भी राउंड नहीं है, क्योंकि ऑयल कलर करने के लिए फ्लैट ब्रशेस ही बहुत जरूरत पड़ते हैं आपको। और अगर आपको राउंड ब्रश जरूरत होते हैं तो आप उन्हें अलग से बाय कर सकते हैं। जैसे कि मुझे कुछ आइस वगैरह करने के लिए छोटे छोटे ब्रशेस की जरूरत पड़ती है, तो मैंने ये वाला मंगा लिया था। ये आप देख सकते हैं 0 वाला, ये बहुत ही बढ़िया है आई बनाने में या फिर और कुछ छोटे छोटे काम करने में ये काम में आते हैं। और ये नंबर 1 है, आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया है। ये मैंने अलग से मंगाया था, इनके साथ नहीं था, ये अलग से एक सेट था। ये सारा का सारा मुझे 350 में मिल गया था, और ये दो कुछ 20-25 में मिल गए थे, तो आप भी इन्हें मंगा सकते हैं। अभी हम जो चीज़ की बात करेंगे वो है पैलेट नाइफ। पैलेट नाइफ के बारे में कभी दोस्त क्या होता है, मेरे कभी दोस्तों को ये इसके बारे में पता नहीं होता है, ये क्या चीज़ है, इसका काम क्या होता है। इसे कहते हैं पैलेट नाइफ। ये आप लोग देख सकते हैं, एक पैकेज में आया है, ये सारा का सारा नंबर 1 से 5 तक है। ये एक एक शेप का है, अभी मैं इसे खोल के आपको दिखाने वाला हूँ। ये आप लोग देख सकते हैं, ये सबसे छोटा वाला है, ये नंबर 1 है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है। इसका काम क्या होता है, जो सेट देना पड़ता है हमको ऐसे कलर को लेकर कैनवस के ऊपर, तभी इसका इस्तेमाल बहुत ही अच्छा होता है। इसमें क्या होता है, कलर थोड़ा ज़्यादा लगता है मगर पेंटिंग बहुत ही बढ़िया बनता है। ऐसे ही बहुत सारे शेप का है, ये सब आप देख सकते हैं। ये भी एक तरह का है, ये भी बहुत काम का है। ये सभी एक एक तरह के होते हैं, आप देख सकते हैं, ये सभी बहुत ही काम के हैं। पैलेट नाइफ क्या होता है, पेंटिंग में जान डाल देते हैं। अगर आपको बड़ा पेंटिंग बनाना है तो आप इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं, और इससे थोड़ा ज़्यादा छोटा नहीं, इसके जैसा ही ये वाला है, आप इसे भी यूज़ कर सकते हैं। ये नंबर 4 है और ये है 5, ये दोनों ही एक ही तरह के होते हैं, काम भी कुछ एक ही तरह के होते हैं। ये जो आप देख सकते हैं मोदी जी के पेंटिंग, इसमें आपको ये जो कलर के मिक्सिंग देख सकते हैं आप, यहाँ पे मैंने ये पैलेट नाइफ की यूज़ किया था। आप देख सकते हैं अच्छे से, देखिए ये काफ़ी सारे जगह है जहाँ पर पैलेट नाइफ का यूज़ हुआ था। तो ऐसे ही कुछ पेंटिंग के हिस्से होते हैं जहाँ पैलेट नाइफ यूज़ होते हैं। देखेंगे पैलेट नाइफ के यूज़ से पेंटिंग बहुत ही अच्छा बन जाता है। और ये काफ़ी सारे चीज़ मैंने आपको दिखाई, बेसिक सीख रहे हैं पेंटिंग के, तो ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। ऐसे आर्ट एजुकेशन रिलेटेड वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए।